हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टैक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, यूं तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप अपने मन पसंदीदा वीडियोस और टीवी शोज देख सकते हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम जो होती हैं वो या तो पेड वर्जन होती हैं या फिर उनकी वीडियोस में बफरिंग होती है या फिर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी बिना पर आप जो है वो उस वीडियो को जो है भरपूर तौर पर इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है नेटफ्लिक्स, और ये भी जो है पेड वर्जन है जिसकी वीडियो क्वालिटी जो है टॉप क्लास है। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए इस नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन की तमाम वीडियोस को आप इजीली जो है वो फ्री, जी हाँ फ्री तौर पर देख पाएंगे, और वही HD क्वालिटी की वीडियोज़ होंगी। तो अब ये मेरी वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसको जो है बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही कारामद साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट मेरी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आप तक बहुत ईजीली पहुँच पाए। तो दोस्तों, के इस काम के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन, आपके पास गूगल क्रोम स्टोर होना चाहिए या ब्राउज़र जिसको कहते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, वो ऑलमोस्ट हर मोबाइल के अंदर आजकल होता है। और दूसरी एक एप्लीकेशन जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस काम से पहले, उसका नाम है टी प्लेयर। जी हाँ, टी प्लेयर। ये मैं आपको इसका इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको ईजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वही चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन के ज़रिए आप किस तरीके से फ्री वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने जो है अपने मोबाइल के क्रोम को खोलना है। गूगल क्रोम जो हर तकरीबन हर मोबाइल में, हर एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, हमने सिंपली उसको ओपन करना है। तो आइए देखते चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये हमने इसको ओपन कर, ये देखिए आपकी ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अब बड़े एहतियात से और बड़े ध्यान से बात सुनने वाली है कि आगे का काम करने के लिए हमको इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग के लिए आप देख रहे होंगे ऊपर ये तीन डॉट बने हुए राइट साइड पर, हमने इसको क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आया आपके पास। आपने जो है सबसे जो नीचे डाउनलोड के नीचे जो एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है डैशबोर्ड जो है वो एक्टिवेट हो गया। जिस तरीके से लैपटॉप्स में या आपके कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप होता है, इसी तरीके से मोबाइल का डेस्कटॉप अब आपने सेट कर लिया है। तो आइए चलते हैं अब अपनी उस एप्लीकेशन की तरफ, उस लिंक की तरफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपने यहाँ पर सर्च करना है। तो दोस्तों, याद रखिए कि इस तमाम काम से पहले आपके पास एक एप्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है टी प्लेयर, वो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखनी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि वो टी प्लेयर जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ बैक गए और हमने प्ले स्टोर में आपको वो ईज़िली मिल जाएगा वो। तो यहाँ पर हम आएंगे, सर्च करेंगे टी टी प्लेयर, हम तो क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सबसे ऊपर ही जो है ये ऑरेंज कलर में जो है ऑप्शन है टी प्लेयर, ये हमको क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ हूँ, तो ये ओपन शो कर रहा है। तो आपने ये पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपनी गूगल क्रोम की साइट पे जो ऑलरेडी ओपन है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सिंपली क्या टाइप करना है, सिंपल हमने टाइप करना है यहाँ पर मॉडराइट फ्लिक्स। ये देखिए ऑलरेडी आ गए मॉडराइट नेटफ्लिक्स, ये ऑप्शन आपने यहाँ पर सर्च करना है और इसको आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए, याद रखिए कि ये इस तरीके की सेटिंग आपके पास जब ही आएगी जब आपने ऑलरेडी इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर सेट किया होगा। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये एक
आपको लिंक नज़र आ रहा है ऊपर techdix.com, तो इस लिंक को आपने जो है ओपन करना है। जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके पास नज़र आएगा। तो आइए चलते हैं, इसको ज़रा हम स्क्रॉल अप करते हैं। जब हम नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पर ये तीन ग्रीन लाइंस नज़र आएंगे जिनके अंदर ये आपको डिफरेंट जो है लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली कहीं नहीं जाना, सिंपली आपने जो है सेंटर वाला जो SV227 मॉड है नेटफ्लिक्स का, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कुछ सेकंड बाद ये आपके पास एक और ग्रीन लेबल आ जाएगा लिंक डाउनलोड का। तो दोस्तों ये डाउनलोड हम क्लिक कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बताने के लिए इसको मैं दोबारा डाउनलोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी डाउनलोड आपके पास, आप इसको अगेन करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये जो मैंने डाउनलोड किया है वो मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है। तो यहाँ मैं आऊँगा, मैं सर्च करता हूँ कि किधर है वो, और सिंपली मैं स्क्रॉल अप, ये देखिए नेटफ्लिक्स SV2 टैबलेट्स। तो ये इसको सिंपली मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो आपको ये दिखाएगा डिफरेंट कैटेगरीज, मूवीज, टीवी शोज, HD रिलीजेस। मीन्स के ये अब आपको फ्री है, सबसे मज़े की बात ये है कि अब आप फ्री इसको वॉच कर सकते हैं। हाँ, लाजमी तौर पर कुछ एड ज़रूर आएंगे ड्यूरिंग मूवीज़ के दरमियान, लेकिन अब वो चंद सेकंड के होते हैं, एटलीस्ट आप मूवियाँ देख तो रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आप ये नेटफ्लिक्स की जो एप्लीकेशन है वो फ्री जो है ना वॉच मूवीज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपको आइंदा भी इस तरीके की बहुत अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और उम्मीद है कि आपको आगे होगा किस तरीके से जो एप्लीकेशन है पेड वर्जन नेटफ्लिक्स, उसके ज़रिए आप ईजी तौर पर अपनी मनपसंद वीडियोज़ मूवीज़ देख सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है। तो मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो पर, किसी नए टॉपिक के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा।